नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर से सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता। दोस्तों, एक काले कौवे ने बताया, स्त्री को पराए पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, तथा गरीबी को दूर करके हमेशा के लिए धनवान कैसे बना जाए। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। वही कुछ लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। यह तो ठीक है कि सब कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिले, तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मगर दोस्तों, आपकी यह दोस्त बहुत मेहनत से YouTube पर आपके लिए वीडियो बनाती है, मगर फिर भी आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इससे पहले कि आप कहानी में फिर से खो जाएं और लाइक करना भूल जाएं, आप अभी वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। प्रिय दोस्तों, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, किशनपुर गांव में नदी के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर एक गरीब दंपति अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां एक पीपल का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक काला कौवा रहा करता था। गरीब दंपति निर्धन होने के बावजूद भी कौवा के लिए दाना पानी रखना नहीं भूलता था। एक दिन की बात है कि जब वह गरीब आदमी कौवा को दाना रोटी देने गया, तो वह कौवा बोलता है कि हे निर्धन, तुम इतने निर्धन होने के बावजूद भी कभी भी मुझे दाना पानी देना नहीं भूलते हो। मैं तुम्हारी करुणा से बहुत प्रसन्न हो और आज तुम्हें दो अनमोल ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ, जो कि मैं एक बहुत ही दिव्य ऋषि के आश्रम में सुना था। तुम भी इसे शांत चित मन होकर ध्यान से सुनो। तब वह गरीब आदमी कहता है कि हे काक, तुम अपनी बातें कहो, मैं तुम्हारी बातें ध्यान से सुनूंगा। कौवा कहता है कि एक गांव के बाहर भगवान राम का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी ने भगवान राम की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम रघुनंदन रख दिया। वही गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था, उसी से भगवान राम का, पुजारी का और उस बालक रघुनंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था, तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगाजल पिलाकर के केवल सो जाते थे। वहीं रघुनंदन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटा लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए पुजारी ने अब रघुनंदन को मंदिर की सफाई, भगवान की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान राम के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान राम के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह रघुनंदन बालक जो था, उसका संसार में भगवान राम के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले उस रघुनंदन को तीन बातें बताई थी। पहली बात, हम हमेशा विष्णु राम को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान राम पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस रघुनंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें
ठीक से याद थी और वह रघुनंदन उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक रघुनंदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान राम को भोग लगाता था, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। प्रिया दोस्तों, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान राम और वह बालक दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और तीन चार दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं रघुनंदन अपने भगवान राम को गंगाजल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान राम उस बालक रघुनंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके भगवान राम से रहा नहीं गया और राम जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। और इस प्रकार श्री राम ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस बालक रघुनंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊँगा। वहीं बालक रघुनंदन भगत ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान राम को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान राम नौकर के भेष में बालक रघुनंदन को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। प्रिय दोस्तों, एक दिन रघुनंदन भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान राम का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान राम नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने आए तो बालक रघुनंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा है कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते, इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। वहीं भगत की बात को सुनकर के भगवान श्री राम चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। फिर वह बालक रघुनंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं, मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना यदि कल वह भगवान राम का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने भगवान अपने रघुनंदन भगत की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोच करके मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ करके भगवान राम बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान राम नौकर के भेष में दत दही और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं रघुनंदन चौंक हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने भगवान बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और भगवान श्री राम को भोग लगाइए। वही नौकर बने भगवान कहने लगे, हे भगत, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो बालक रघुनंदन ने प्रसन्न होकर के नौकर बने राम भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो भगत रसोई तैयार करता है
और इधर भगवान श्री राम जो थे अपने भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने जाने का समाचार सुनकर के माता सीता भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी भगवान राम की आज्ञा को पाकर के सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। श्री राम भगवान ने एक मखमल का पीला सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियाँ धारण कर ली। और इधर सीता जी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने श्री राम के कुर्ते से मेल खा रहा था। सीता जी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चरण पादुका पहनकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान राम और सीता सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत पर चले तो ऋषि मुनि देवता देवांगना आदि भी उन्हें देख करके ठगे से रह गए। वही सेठ बने भगवान राम अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टकटक और पायलों की छनछन की मधुर ध्वनि करती हुई सीता माँ सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस बालक रघुनंदन भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते बादाम केसर चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उसे बाजरा बेसन और गेहूं के आटे में भर भर करके मोटे मोटे मिर्चे टिककर बनाए। रसोई बना करके भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान राम को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। कौवा आगे कहता है, जब बालक रघुनंदन भगत स्नान करके लौटा तो क्या देखा, सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही है, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। वही बालक रघुनंदन ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर उठाया और बोला, मैं भी भगवान राम को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोस उगा। वही भावना के भूखे भगवान राम से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ बने श्री राम की बात को सुनकर के भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। वहीं सेठ बने भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो बालक रघुनंदन भगत जो था सेठ बने राम भगवान को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दी बाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो, मैं जब तक भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं, चुपचाप इधर बैठ जाइए और सीता राम जाप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। वही सेठ बने भगवान राम डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वही सेठानी बनी सीता जी उनकी यह दशा देखकर कि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को
भोग लगाने मंदिर में गया, इधर राम सीता जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं राम भगवान तो प्रसाद को चखते ही भौंचक के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान विष्णु ने पूरी का एक कोरा तोड़ करके मुंह में दिया तो वह सीसी करने लगे, क्योंकि पूरी में मिर्ची मिर्च भरी थी। वहीं भगवान राम सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं सीता जी जो थी अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान राम सीता के सामने कुछ सफाई दे पाते, बालक भगत सीता राम मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। वहीं श्री राम तो अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान भगत का तो सीता का मुख देखने लगते। वहीं बालक भगत को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं बालक भगत की ललकार को सुनकर के श्री राम ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि बालक रघुनंदन ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। रघुनंदन परोसता गया और भगवान पीते गए। वहीं जगत माता लक्ष्मी की स्वरूप सीता माता भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं बालक रघुनंदन को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बने सीता की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी भक्त रुवान सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी, फिर तो ममतामयी सीता पर बालक रघुनंदन की उदासी देख करके रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की चार बूंदे अपने कंठ में टपका ली, पर भगवान राम द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख की जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर बालक रघुनंदन भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया, मेरी तो वैसे भी महीने में चार चार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कह कर के बालक रघुनंदन भगत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वही चावल के एक दाने से ही उस भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। का कहता है कि हे मानव, वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी भगत रघुनंदन के सामने भगवान राम और जगत जननी सीता जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान राम और सीता का असली रूप देख करके
बालक रघुनंदन भगत दौड़ करके उनके चरणों में लौट गया। वहीं भगवान ने भगत रघुनंदन को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं भगत कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान कहते हैं, नहीं बालक रघुनंदन, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज के राजा बनकर के इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कह करके भगवान राम और सीता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही गरीब बालक रघुनंदन जो था भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बना। कौबा कहता है कि हे निर्धन मानव, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। किसी राज में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में भगवान नारायण के मंदिर के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर गलत दृष्टि देखता रहता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। दोनों पति पत्नी बिल्कुल एक जैसे ही थे, गलत नियत और गलत दृष्टि रखने वाले। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक भिखारी कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस भिखारी पर पड़ गयी। वही जो भिखारी था दिखने में किसान से ज्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस भिखारी को अपना दिल दे बैठी। वही मौका पाकर के किसान की पत्नी ने उस भिखारी से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। कौवा कहता है कि फिर उस किसान की पत्नी की बात सुनकर के वह भिखारी राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हारे घर में जितना भी धन संपत्ति मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वहीं वह किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन संपत्ति चुरा सकती थी उतना लेकर के उस भिखारी के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वही थोड़ी देर के बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है, फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पा करके उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते है। फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चलकर के एक साथ सुख पूर्वक रहेंगे। इस प्रकार उस किसान की बात सुनक के वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान जो भी धन माल उसके पास था उस सब को लेकर के उस ठगनी के साथ में गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वह ठग उधर किसान और ठगनी इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वहीं नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वही ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह ठग के साथ चली गई है, ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। नदी पर पहुंचने के बाद में वह भिखारी किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रखा आऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वहीं भिखारी की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस भिखारी को दे देती है। वहीं वह भिखारी जो था धन माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है
और धन माल लेकर के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी जो थी उस किसान से माल लेकर के उस किसान को नदी में धोखे से ढकेल देती है और माल लेकर के दूर चली जाती है। कौवा की है मानव, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में कौवा कहता है कि हे मानव, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। उन दोनों पति पत्नी के बुरे कर्मों का फल उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले नई कहानी में, जब तक के लिए हर हर महादेव।